हेलो फ्रेंड फ्रेंड पबजी मोबाइल में कैसे बीसी परचेस करोगे, इस वीडियो में पार्ट टू है। ठीक है, तो मैंने पार्ट वन वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाला था। ठीक है, तो उस पर जाके देख सकते हो फ्रेंड, चेकआउट कर सकते हो मैंने वीडियो पर जाके, चैनल पर जाके। तो आपको सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। ठीक है, वीडियो के अंदर देखना आपको समझ में आ जाएगी कैसे क्या करना होगा, पबजी मोबाइल में कैसे बीसी परचेस करना है, पूरे जिन चीज़ में इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं रेजर गोल्ड यहाँ पर सर्च करना हो। ठीक है, मैं यहाँ पर रेजर गोल्ड वेबसाइट पर आ जाना है, आपको भी आ जाना है। ठीक है, वहाँ पर आपको नया अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, न्यू अकाउंट बना लीजिए। यहाँ पर मैं मुझे कमेंट आया था भाई रेजर गोल्ड का आईडी क्रिएट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं क्रिएट अकाउंट पर जाके मैं आपको क्रिएट अकाउंट करके दिखाया दो। ठीक है, नया अकाउंट बना के मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है रेजर आईडी ईमेल एड्रेस पासवर्ड डालने की बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर गूगल से साइनअप करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप गूगल भी कर सकती हो, आपके पास ऑलरेडी रेजर गोल्ड का आईडी है तो लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी अभी मैं आपको न्यू अकाउंट बना के दिखाऊंगा और इसी परचेस भी करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर वीडियो के अंदर देखना आपको समझ में आ जाए कैसे क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको गूगल पर क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गूगल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बोल रहा है एड योर पासवर्ड, तो मैं पासवर्ड चॉइस कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अपडेट यहाँ पर नो कर लीजिए, नो भी कर सकते हो इसकी पर, मैं नो करके नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर वीडियो करते देखना। ठीक है, समझ में आ जाइए कैसे क्या करना होगा। वीडियो का लाइक कर देना फ्रेंड। ठीक है, वीडियो को शेयर भी कर देना, और उसके बाद यहाँ पर क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो के अंदर देखना। ठीक है, समझ में आ जाए कैसे क्या करना है। यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पर ऐसा पेज आएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्रिएट योर वॉलेट, आपको क्रिएट वॉलेट पर क्लिक करना होगा। मैं जैसे कर आपको भी ऐसा ही करना, क्रिएट वॉलेट पर क्लिक करोगे तो आप बोला कन्फर्म पर क्लिक कीजिए। ठीक है, कन्फर्म पर क्लिक करोगे तो आपको उसके बाद ऐसे इस तरह से पेज ओपन होगा फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, तब रिडीम पर मैं क्लिक कर रहा था। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में ऊपर में फिर से क्लिक करना होगा। ठीक है, मोबाइल ऑप्शन में क्लिक किया, रिलोड पर ऑप्शन में क्लिक करना होगा। ठीक है, तो मैं रिलोड ऑप्शन पर क्लिक कर रहा था। यहाँ पर देखिए पेटीएम यूपीआई पेटीएम वॉलेट ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं यूपीआई से चॉइस कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अमाउंट जब भी मैं डालूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए मैं अमाउंट डालने के लिए जाऊँगा, तो पहले आपको मीटर्स पर मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे मीटर्स पर जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको इसी परचेस करना है। सबसे पहले यहाँ पर वीडियो का देना। ठीक है, मीडिया पर वेबसाइट को लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ऊपर में जो यहाँ पर मैप का आइकॉन है, यहाँ पर आधार पर सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, मैं आधार पर सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए परचेस पर क्लिक करना है। ठीक है, यूसी परचेस, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगी आपका आईडी प्लेयर आईडी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रेजर गोल्ड पर क्लिक करना होगा। रेजर गोल्ड पर मैं क्लिक कर दिया। यहाँ पर देखिए सिलेक्ट योर यूसी, तो आपको कितने का यूसी आपको खरीदना है यहाँ पर आपको चॉइस करना हो। जैसे कि मैं 0.1 पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर 0.99 यूएसडी, यहाँ पर देखिए मैं 0.99 यूएसडी कितना रुपीस पे होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर एक मिनट, तो यहाँ पर मैं यूएसडी इंडियन रुपीस में यहाँ पर कन्वर्ट करके दिखाई दे, यहाँ पर आ रहा है 73 रुपीस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं 70 यहाँ पर मैं 70 यहाँ पर 3-4 लिख दो। ठीक है, 74 लिख के नेक्स्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर बोला सेटअप योर टी एम, सेटअप करने के बोला, तो सेटअप पर क्लिक करना होगा। उसके बाद सेटअप करने के लिए आपको एक मेल पर एक ओटीपी आएगी। ठीक है, ओटीपी को वेरीफिकेशन करना होगा आपके पास ईमेल, तो मेल ओपन कर लीजिए। मेल ओपन करने के बाद यहाँ पर एक इस तरह से एक मेल ओपन आएगी। ठीक है, तो आपको मेल ओपन करना होगा। इसके बाद इसको कोड को यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, जो भी कोड है यहाँ पर, मैं कोड को जब भी वेरीफिकेशन करोगे तो इस तरह से एक ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑथोरेंस ऐप पर क्लिक मत करना। ठीक है, मोबाइल पर क्लिक कीजिए। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर जब ये इस तरह से एक ऐप बोल रहा है, तो आप मैं आपको बैक करके दिखाए दो। ठीक है, इस तरह से भी जाएगी, तो दोबारा से बैक कर दीजिए। उसका मी वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कम्प्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। ठीक है, कम्प्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मोबाइल पर वेरीफिकेशन करना होगा। ठीक है, दोनों चीज़ आपको करना है, एक करना है मोबाइल वेरीफिकेशन एंड दो नंबर ईमेल वेरीफिकेशन। ठीक है, ये दोनों चीज़ करोगे तो आपको काम कम्प्लीट हो जाएगी। ठीक है, मोबाइल वेरीफिकेशन करना होगा, तो मैं मोबाइल वेरीफिकेशन कर देता हूँ। उसके बाद मैं आगे के प्रोसेस में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो को अभी पॉज नहीं करूंगा, आपको खुद ही देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से भी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर फिनिश पर क्लिक करके मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखा देता हूँ। उसके बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगी फ्रेंड। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बैक कर देना है सीधा। उसके बाद फिर से रिलोड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, रिलोड ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप आपको यूपीआई पी ऑप्शन में सेलेक्ट करना होगा। मैं यूपीआई ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए अमाउंट डालने के बोल रहा है, तो मैं एक बार फिर से 74 रुपीज़ डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए लोडिंग होगा, तो लोडिंग होने के बाद यहाँ पर देखिए गोल गोल घूरेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको बोल रहा है 70 रुपीज़ साइन ईयर, यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस डालना होगा। उसके बाद नाम, उसके बाद पैन नंबर, आपके पास पैन नंबर किसी का फ्रेंड के नंबर, यहाँ पर पैन नंबर डाल दीजिए। ठीक है, आपके पास घर पर फ्रेंड
फैमिली का हो कुछ, यहाँ पर पैन नंबर डाल दीजिए, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। तो कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपको ऐसे ऑप्शन आ जाएगी, या इस तरह से पेज पे यूपीआई ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ। इस तरह से ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको एडिट पर क्लिक करके मैं यूपीआई डाल दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यूपीआई डाल देना है, फ़ोनपे गूगल पे हो जो भी, पेटीएम का मैं यूपीआई डाल दिया। उसके बाद नोटिफिकेशन जाएगी आपको पेटीएम वॉलेट पर, ठीक है। तो पेटीएम में यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से पेटीएम पर नोटिफिकेशन आएगी, नोटिफिकेशन में क्लिक कर देना, 74 रुपीज़ यहाँ पर पेमेंट कर देना है। तो पेमेंट करते यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगी, इस तरह से पेमेंट आ जाएगी। यहाँ पर देखिए इस तरह से जब भी पेमेंट कम्प्लीट करेगी यहाँ पर सक्सेसफुल आ जाएगी। मैं पेमेंट कम्प्लीट कर दिया, यहाँ पर देखिए पेमेंट का सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर थोड़ी देर वेट करने के बोल रहे हैं, यहाँ पर वेट। तो उसके बाद इस तरह से पेज आ जाएगी, यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल आ जाएगी। तो फिर से गोल गोल होगा, तो इस तरह से लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद यहाँ पर देखिए 70 यहाँ पर 4 रुपीज़ मेरा लोड हो चुका है। यहाँ पर देखिए आप खुद देख लीजिए, तो मैं यहाँ पर लोड कर लिया। उसके बाद आगे का प्रोसेस आप खुद देख लीजिए, ठीक है, कि इस तरह से यूसी परचेस करना है। यहाँ पर देखिए अभी जाना है मिराज भाई, तो मिराज भाई वेबसाइट पर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको प्लेयर आईडी को यहाँ पर इंटर कर दीजिए, ठीक है, जो भी प्लेयर आईडी को यूसी लेना है, ठीक है। मैं यूसी ऐप लेना तो इस आईडी में यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पर देखिए मेरा आईडी, उसके बाद यूसी मेरा कितना है आप खुद देख लीजिए, ठीक है। आप बोल दिए यहाँ पर देखिए यूसी नहीं आ रहा है आपका, यहाँ पर बोल रही है कमेंट करके। तो यहाँ पर देखिए मैंने यूसी आपको दिखा दिया, यूसी अभी मेरे पास कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पेमेंट फेल हो रहा है, ठीक है। पेमेंट फेल क्यों हो रहा है, यहाँ पर आपको वीपीएन ऑन करना होगा। फिर किसी भी एक वीपीएन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। आपके पास जो भी वीपीएन है यहाँ पर एक वीपीएन को ओपन कर लीजिए, मैं ओपन कर लिया। उसके बाद फ्री वीपीएन आप जाके प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर सकते हो, ठीक है। मैं सिंगापुर वीपीएन यहाँ पर चॉइस कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर दिया सर्वर को, उसके बाद मैं बैक करके मैं आपको आगे के प्रोसेस दिखा देता हूँ। उसके बाद आ जाना है मिराज भाई ऑप्शन पर, ठीक है। मिराज भाई ऑप्शन पर आ जाना है वेबसाइट पर। उसके बाद यहाँ पर पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो पे नाउ पर ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए लोडिंग होगा। फिर से गोल गोल घूरेगा, उस तरह से ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पर देखिए पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 73 रुपीज़ पेमेंट करने के बोला है, प्रोसेस चेक पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपको 2 मिनट में आपका काम कम्प्लीट हो जाएगी, आपका यूसी आपका मोबाइल पर आ जाएगी। यहाँ पर देखिए सन कॉन्ग्रेचुलेसन सक्सेसफुल हो जाएगा 73 रुपीज़। और मैंने यहाँ पर देखिए पबजी को मैं ओपन करके दिखाया तो आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए आया कि नहीं यूसी, यहाँ पर देखिए यूसी आ चुका है, खुद ही देख लीजिए फ्रेंड यूसी आया कि नहीं। तो इस तरह से आपको करना है फ्रेंड, ठीक है। और भी मैं आपको चीज़ दिखाई दो फ्रेंड, फिर से एक बार मैं यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट का करूँगा लोड। तो यहाँ पर आपको खुद ही देख लीजिए फ्रेंड, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट का लोड करूँगा, लोड पर मैं क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर अब खुद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं वीपीएन को ऑफ करना होगा, ठीक है। तभी आपको पेटीएम की भी ऑप्शन आएगी। तो वीपीएन को ऑफ कर दीजिए आप लोग, उसके बाद तो यहाँ पर आज लॉगिंग कर लिया। फिर से मैंने दोबारा से लॉगिंग कर लिया, रिलोड पर ऑप्शन पर क्लिक करके फिर से यहाँ पर यूपीआई ऑप्शन सेलेक्ट करके देखा है। तो फिर से दोबारा मैं रिलोड करूँगा पैसा। तो यूसी यहाँ पर मैंने पहले आपको कम किया था, ठीक है, मैं चेक किया था आता है कि नहीं यूसी। उसके बाद ज़्यादा अमाउंट काट दीजिए, ठीक है, ट्राई कर लीजिए एक बार आपका होता है कि नहीं। यहाँ पर उसके बाद 2 स्टेप से यहाँ पर वेरीफिकेशन कोड आपका मोबाइल पर आएगी, ओटीपी को वेरीफिकेशन कर देना है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपका यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगी पेमेंट करने के लिए, kspd.com ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको ईमेल नाम पैन नंबर, ठीक है, यहाँ पर चीज़ शुरू पूरी चीज़ यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका काम कम्प्लीट हो जाएगी। तो आपका पेमेंट करने के बोलेगा, ठीक है, पेमेंट मैं कर देता हूँ। उसके बाद आगे का प्रोसेस आप खुद ही देख लीजिए। उसके बाद आपका पेटीएम का UPI ID, फ़ोनपे का UPI ID, पर गूगल पे का UPI ID डाल दीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पर पेटीएम पर जाके यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है, पेमेंट करने के बोलेगा रिक्वेस्ट लिंक। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट पेमेंट सक्सेसफुल कर दीजिए, तो पेमेंट करने के बाद यहाँ पर भी सक्सेसफुल आ जाएगी। उसके बाद आगे के प्रोसेस आप खुद देख लीजिए, ठीक है। पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, कंग्रेचुलेसन। तो मनी ऐड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अभी जाना है मिराज भाई ऑप्शन पर, ठीक है, mirajbhai.com, ठीक है, जो भी है यहाँ पर।
mirazbhai.com पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आपका mirazbhai.com ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा काउंट्री सेलेक्ट कर दीजिए, या आदर्श पर सेलेक्ट करने के बाद या पार्चेस यूसी पार्चेस पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद अपीलिया आईडी को एक बार चेक कर लीजिए ठीक है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपको रेजर गोल्ड पर क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पर देखिए चॉइस कर दीजिए ठीक है, कितना का यूसी मैंने पार्चेस किया था। यहाँ पर देखिए 600 यूसी की 600 प्लस 90 प्लस यूसी है ठीक है, उसको कितना अमाउंट का आता है यहाँ पर क्लिक कर दीजिए ठीक है। तो पेमेंट फेल क्यों आ रहा है, आपका भी पेन ऑन करना होगा ठीक है। तो मैं पेमेंट यहाँ पर अभी पेन ऑन कर दिया, उसके बाद पेमेंट पे की पे पर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद सीधा आपका पेमेंट ऑप्शन आ जाएगी ठीक है। यहाँ पर लोडिंग होगा, फिर से गुल गुल घूरेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रोसेस टू चेकआउट पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपका पैसा जो भी यहाँ पर रेजर गोल्ड यहाँ पर लिया था उसका पैसा काट के आपका यूसी आपका मोबाइल पर सेंड कर देगा ठीक है कंपनी। यहाँ पर देखिए मेरा कितना का यूसी आ चुका है, यहाँ पर खुद देख लीजिए आप लोग, अभी यहाँ पर कितना का यूसी है, अभी यहाँ पर देख लीजिए जूम करके मैं दिखा देता हूँ कितना सारा यूसी हो चुका है आपका। तो फ्रेंड बेसिक वीडियो को कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर रखना ठीक है। और भी आधा सफर आएगी पेटीएम के ऊपर चाहिए तो यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर रखना ठीक है। और भी कमेंट कर दीजिए फ्रेंड कैसा लगा वीडियो।